So ladies and gentlemen, welcome back to Exotic Astrology. We have a very special guest. Dinesh ji is here after a long, long, long time. We recorded once or twice, I guess two, three years back. So uh, Dinesh Exotic Astrology or today, Foreign Travel, Foreign Settlement, ke bare mein hum baat Foreign Travel, Foreign Settlement. That's the topic. Many people are interested in this. आपका, जी पे, प्लीज, uh, प्रणाम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वापस से बुलाने के लिए आपके चैनल के ऊपर तो आज का जो विषय है वो आप ऑलरेडी आप लोग बता, चुक, बता चुके हैं विदेश में सेटलमेंट होगा या नहीं होगा आज का जो मेरा जो मेन टॉपिक रहेगा हम लोगों का कि वो कौन से चार्ट है जहां पर पोटेंशियल है व्यक्ति विशेष के पास में कि विदेश में जाकर के वो सेटल होगा और अगर वो विदेश में सेटल होना चाहता है कोई भी व्यक्ति तो वो टाइमिंग्स क्या होंगे तो उनके अंदर वो कौन सी महादशाएं हैं जहां पर व्यक्ति विशेष जा सकता है और बहुत इजी से पॉइंट्स हैं तीन चार अगर हम लोग स्टेप बाई स्टेप चलें तो हम लोग आसानी से देख सकते चलिए एक बार श्री गणेश जी आपके शुरू करने से पहले मैं बता दूं अगर किसी को अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है दिनेश जी से तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे नीचे मैं ईमेल और वेबसाइट जो भी है सारा दे दूंगा तो प्लीज जाके चेकआउट करिए थैंक यू प्लीज कंटिन्यू थैंक यू चलिए सेशन प्रारंभ करने से पहले एक बार श्री गणेश जी की आराधना करते हैं ताकि हमारा विषय सफल रहे देखिए सबसे पहली चीज होती है हम लोगों के पास में जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी तो हमारे पास में एक प्राइमरी हाउस आता है जो कि हम लोगों का फोर्थ हाउस जी और फोर्थ हाउस हम लोगों का प्राइमरी हाउस क्यों है क्योंकि वो हमारी मदरलैंड को रिप्रेजेंट करता है सबसे पहला स्टेप हम लोगों का यही होगा कि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, है फोर्थ हाउस है एंड अ कारक ऑफ द फोर्थ हम लोगों को तीन चीजें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल द भाव उस भाव का स्वामी और उस भाव का जो कारक ग्रह है मंगल जो है बेसिकली हम लोगों का मदर लैंड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है मातृभूमि को रिप्रेजेंट करता है दैट इज मार्स जी ओके ओ. जब तक देखिए हम लोगों को हमारी धरती माँ हम लोगों को नहीं छोड़ेगी हमारी मदरलैंड हम लोगों को नहीं छोड़ेगी जब तक हम लोग वहां से सेपरेट नहीं होंगे तब तक हम लोग विदेश में सेटल नहीं हो सकते ध्यान ये रखिएगा यहाँ पर एक एक चीज होती है कि विदेश यात्रा आप करके आए घूमने के लिए गए तो उसके अंदर योगास आर सो योगास वहां बनते और एक चीज होती है कि मैं परमानेंटली जो है मेरा जो मदरलैंड है उसको छोड़ करके बहुत सालों तक मैं वहां रहूं जाकर के और वहां जाकर के मैं सेटल हो तो मतलब को सबसे पहले प्रथक्ता चाहिए मेरे फोर्थ हाउस से मेरी मदरलैंड तो उसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है वे लोग जिनका भी लग्नेश का संबंध फोर्थ हाउस से हो लग्नेश का संबंध सेकंड हाउस से हो सेकंड लॉर्ड का संबंध फोर्थ हाउस से हो और जितने स्ट्रांग संबंध हो वहां पर ना तो वो व्यक्ति अपना मदरलैंड नहीं छोड़ सकता

पहला पॉइंट यही रहेगा आप जाइए जाकर के फोर्थ हाउस को देखिए अच्छा पृथक करने वाले प्लैनेट्स कौन कौन से हैं सेपरेटिव टेंडेंसीज वाले जो प्लैनेट्स वो कौन कौन से तो हमारे पास में जितने भी मेले प्लैनेट्स हैं पाप ग्रह जितने भी हैं और उनमें जो स्पेसिफिकली शनि राहु केतु और सन सूर्य मंगल स्वयं जो है मंगल के पास में सेपरेटिव टेंडेंसीज नहीं है अगर सेपरेटिव टेंडेंसीज की स्पेशली अगर बात की जाए तो सेटन राहु ये विशेष है उसके अलावा एक प्लेनेट हमारे पास में होता है क्योंकि हम लोगों का कुंडली का अष्टम भाव का स्वर दैट इज भी सेपरेटिव टेंडेंसीज़ है मीन परमानेंटली अगर किसी चीज से कट करना है योर एट हाउस लॉर्ड ऑल्सो रेस्पॉन्सिब सो हमें सिर्फ ये देखना है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का और फोर्थ हाउस का कारक वो के अंदर होना चाहिए शनि राहु केतु और सन हाउस अच्छा उसके पहले एक चीज हमारे सामने और चाहिए और वो ये चाहिए हम लोगों को कि वहां पर हम लोगों का जो बारवा भाव है जो ट्वेल्थ हाउस है ट्वेल्थ हाउस देखिए हम लोग विदेश के लिए मानते हैं जी बारहवें भाव का जो संबंध है लग्ना लॉर्ड के साथ में उसका कॉम्बिनेशन हो फोर्थ हाउस लॉर्ड के साथ में उसका कॉम्बिनेशन हो टेंथ हाउस लॉर्ड के पास में उसका कॉम्बिनेशन हो मीनस ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड अपना काम करे ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड का कॉम्बिनेशन वहां पर होना चाहिए इधर योर लगना लॉर्ड प्लेज इन योर ट्वेल्थ हाउस इन योर ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड इज कनेक्टेड विद योर टेंथ हाउस तो मतलब वो कॉम्बिनेशन यहां पर हम लोगों को कुछ चाहिए तो बेसिक चीज तो पहली चीज यही है भाव भावेश कार का वो एफ्लिक्शन के अंदर बोना चाहिए उसके अलावा भी यहाँ पर कई कॉम्बिनेशन बनते हैं लाइक थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस का कॉम्बिनेशन तीसरा भाव नवा भाव बारहवा भाव इनके कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को प्राप्त होंगे आपस के अंदर इनके कनेक्शन आपको देखने को मिलेंगे वहां पर इवन एट हाउस लॉर्ड जो है एटथ हाउस लॉर्ड भी मेनी टाइम्स जो है अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होगा कि केवल बेनिफिट प्लेनेट वहां पर बैठे हुए शनि राहु केतु का वहां पर कोई कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार का नहीं है तो अष्टमेश जो आपका एट्थ हाउस लॉर्ड जो है वो इस तरह का वर्क आपकी लाइफ के अंदर करे मीन से अंदर बैठा हुआ फोर्थ लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है तो राहु अपना एक विशेष तरीके से वर्क करे टाइमिंग का इवेंट जो है वो निकलेगा वही से जो भी प्लेनेट आपको सेपरेट कर रहा है आपकी धरती वहां से उस ग्रह की दशाओं के अंदर आप अपने विदेश जा सकते अच्छा जी करेक्ट और सूत्र बहुत लंबे चौड़े सूत्र नहीं है यहाँ पर अच्छा दूसरी चीज देखिए ये चीज मैं ऐसा नहीं है कि हर चार्ट में जाकर के मैं लगाने लगता हूँ जब तक कि व्यक्ति बेट से नहीं पूछे अगर किसी को किसी ने मुझे बेट से पूछा ही नहीं और मैं जाकर के ये चीज देख रहा हूँ आप ये सिर्फ तब देखी जब कोई व्यक्ति आपसे आकर के पूछता है कि साहब ऐसा है कि मैं विदेश जा सकता हूं या विदेश का योग है मेरे चार्ट में या नहीं, नहीं।, नहीं। उस कंडीशन के अंदर आप जाकर चेक अच्छा एक चीज और है यहां पर ना कि लगन कुंडली जो है हम लोगों का दो घंटे का हम लोगों को है यहां पर मैं कहूंगा कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज अ डी फोर चार्ट अच्छा डी फोर में इस ये जो कंप्लीट तो होते ही होते हैं इवन ये योगास जाकर के हम लोगों को डी फोर के अंदर जाकर के चेक कर ओके। मतलब ये आप मान करके चलिए कि अगर दो घंटे का लगन है तो ऐसा नहीं है कि जितने लोग वहां पर पैदा रहे हो रहे हैं सारे के सारे वहां चले जाए। ऐसा नहीं करके आएगा आपका डी फोर चार्ट और आपकी दशा आई थिंक रूल्स तो वो बहुत सिंपल uh, से रूल्स है डायरेक्ट एग्जाम्पल चार्ट पे चले हम लोग हाँ 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 डायरेक्ट चल सकते काफी सिंपल है सिंपल है मतलब और कुछ इतना नहीं है और देखिए इसमें और भी अगर देखना चाहो तो नाड़ी के योग देखना चाहो वो देख सकते हो शनि इज अ कर्म कारु का उसके साथ में चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए गुरु इज अ ईजाजीव कार का, उसके साथ चंद्र राहु के वो कॉम्बिनेशन वो मिल जाते वो वो, हैं बनते हैं योगास में कमाल की बात यह है कि इन दोनों के अंदर आप कोई सी भी विधि अपना रिज़ल्ट आपको सेम मिले अच्छा अगर को विदेश जाना है तो रिजल्ट यहीं से मिले अच्छा ओके एग्जाम्पल चार्ट तो चलो जी जी एक मिनट का टाइम दीजिएगा अब जैसे हमारे सामने ये चार्ट ओके रूल इज वेरी सिंपल पहला मेरा जो रूल है वो ये है कि हम लोगों का जो ट्वेल्थ हाउस का ब्रॉड है उसका कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस के साथ में या लगना लॉर्ड के साथ में किसी न किसी प्रकार से होना चाहिए बराबर दिस इज अटल डी वन चार्ट और हमारे साथ में जो साइड में हम लोगों ने डी फोर चार्ट भी हम लोगों ने लगा ये इन मस्क का चार्ट इन मस्क चार्ट देखिए ये लिया तो मैंनेट सही है अच्छा हम हमारी, आ, बेसिकली हम लोगों के ऊपर वे हम लोगों को समझना है तो सबसे पहली चीज आती है कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस लॉर्ड के साथ में लग्न चार्ट के अंदर होना चाहिए तो यहाँ पर जब आप लग्न चार्ट के ऊपर जाते हैं नेटल चार्ट के ऊपर तो यहाँ देखिये कि आपका सेटन ओके अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगना लॉर्ड एंड फोर्थ हाउस लॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन है यह व्यक्ति विशेष को होमसिक बनाता को जो है आ, ऐसी स्थिति के अंदर कई बार व्यक्ति जो है अपना बोलता बोला जाता नहीं शहर तक नहीं छोड़ करके जाता आ, बहुत, अच्छा, चार, समझ गया। ये चार्ट एक्चुअली मैंने इसी ले लिया दोनों तो 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 चीजें अप्लीकेबल अब मेरे को यहां पर क्या चाहिए कि यहां पर मुझे चाहिए कि इन दोनों चीजों से मेरे को कोई चीज ऐसी हो जो सेपरेट कर सके mm -hmm. कोई ऐसी पावर यहां पर होना चाहिए mm -hmm. पहली चीज है कि ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड यहाँ पर है दूसरी yeah. चीज है कि मेकिंग कनेक्शन विद ना अच्छा अब हमारे मेन सूत्र के ऊपर आ जाते हैं हम लोग पहला सूत्र मेरा था कि आपका फोर्थ हाउस को देखिए कि फोर्थ हाउस के ऊपर क्या टेंडेंसीज के हैं क्या? Mm -hmm. तो फोर्थ वीनस वहां पर उसके साथ में कौन है? Mm -hmm. mm -hmm. थी जो लॉर्ड ऑफ हाउस है उसके ऊपर सेपरेटिव टेंडेंसीज के एस्पेक्ट आने चाहिए और तीसरा हमारा जो सूत्र था तीसरा हमारा सूत्र ये था कि हम लोगों का जो मंगल है Mm -hmm. मंगल के ऊपर भी सेपरेटिव टेंडेंसीज के एस्पेक्ट आने चाहिए द द मार्स इन हाउस विद तो हमारी जितनी भी कंडीशन है कि व्यक्ति कहीं और बॉन्ड होगा और जाकर के अपना देश छोड़ जाए वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने हुए अच्छा बढ़िया <laughs> अच्छा एक और वाइट बताया था मैंने आपको यहाँ पर मोस्टली आप यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड हाउस का लॉर्ड

ये कॉम्बिनेशन बन गया है अब ये दो घंटे का है अब ये सेम चीजें जो मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए हम लोगों का इन लरन चार्ट 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 सॉरी इज एक्चुअली से ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट दैट इज योर डी फोर जब तक आप डी के अंदर जाकर के चीजें चेक नहीं करेंगे आप ये चीज भी नहीं पता करेंगे कि व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा हाँ सूत्र वही है सिंपल जो हम लोगों ने पहले बनाया फोर्थ हाउस लॉर्ड से स्टार्ट कीजिए चाहे आप ट्वेल्थ हाउस से स्टार्ट कीजिए जी ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड का कॉम्बिनेशन इसके साथ में होना चाहिए के साथ हम लोगों का जो भाव हैतु आ गया एंड सेटन इज एक्सपेक्टिंग इट ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड

पर्सन विदेश में रहे जाकर के अपनी मातृभूमि जहां पर भी, भी जन्म हुआ है व्यक्ति विशेष का वो विदेश में जाकर के रहे एक एग्जाम्पल चार्ट और लेने जी जी जैसे ये महेश योगी जी का चार्ट देखिए इसमें ना कई तरीके से किसी मतलब मैनी काइंड ऑफ यहां पर आपके सूत्र या रिपीटेशन मतलब अलग अलग रूप में हम लोगों लो के सामने आ सकते कई बार हम लोगों के सामने बहुत ईजी वे में आ जाते हैं कई बार हम लोगों के सामने बहुत घुमा गिरा करके हम लोगों के सामने आते हैं और जैसे ये वाला चार्ट है सिंपल okay? सी चीज है ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड दैट इज जुपिटर ये महेश योगी जी का चार्ट जुपिटर प्लेस इन दोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो कौन है मंगत। आपका मंगत मंगल के ऊपर सेपरेटिव टेंडेंसीज दैट इज दैटन आ रहा था एस्पेक्ट आ रहा है। जी और सबसे बड़ी बात है कि सेटन का जो एस्पेक्ट है ये आपका फोर्थ हाउस पे भी आ रहा है एंड इवन इस चार्ट के अंदर क्या हुआ कि लग्ना लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग फोर्थ भावा लग्ना लॉर्ड एस्पेक्टिंग फोर्थ लॉर्ड हम बट व्हाट इज हैपनिंग दैट इज राहु इन अ 12th जुपिटर mm -hmm. है राहु राहु इज एस्पेक्टिंग दैट इज च चार्ट के अंदर मिले हंड्रेड और स्पेसिफिकली जो ज्यादा परफेक्टली जो योग मिलते हैं डी फोर चार्ट जिसको हम लोगों को इम्पोर्टेंस डी hmm. फोर्ट में हम लोग अगर हम लोग डी फोर में चाहे <coughs> तो अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली चीज ये हम लोगों का फोर्थ हाउस का लॉ सेटन इज एक्सपेक्टिंग ऑन हाउस लेकिन राहु इज एस्पेक्टिंग फोर्थ हाउस एंड केतु इज एस्पेक्टिंग दैट इज सेटन फोर्थ लॉ फोर्थ हाउस एंड फोर्थ लॉर्ड दोनों के दोनों आपके एब्लिक्शन जी पूरा आ गया एकदम मंगल जो है हम लोगों का जो कारक है मार्स इज विद द ट्वेल्थ हाउस थ्री नाइन ट्वेल्व का कॉम्बिनेशन मिलता है और थ्री नाइन ट्वेल्व का जुपिटर एंड वर्कर बराबर टू दिस इज अ चार्ट फॉर द फॉर सेटर ब्रिलियंट सारे योग यहां पर हम लोगों को मिलने चाहिए अच्छा एक चीज और आती है ना कि मैं कब जा सकता हाँ तो हाँ लाइक ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है लाइक राहु यहाँ पर राहु की दशा में ये विदेश चले गए राहु इसी मतलब जो भी कनेक्टेड दशा है ना राहु की दशा के अंदर चले गए और लगन चार्ट से भी हम लोग देख सकते हैं जुपिटर की दशा के अंदर ही गॉट ड्रीम सक्सेस एंड ऑल जितना भी महेश योगी ने, जी ने किया दैट इज अटर तो राहु एट अच्छा तो मतलब सेपरेट करने वाली दशा हम लोगों को चाहिए जो फोर्थ हाउस से सेपरेट कर सके ओके। mm. okay. तो यहां पर राहु ऐसा प्लेनेट है को हाउस से सेपरेट करे। एक कॉमन चार्ट ले ले हम लोग आपका आमादमी। हाँ आम आदमी आम का ना क्योंकि देखिए ठीक है कि ये जो भी है दिस इज अच अब यहां पर वही चीज है कि हम लोगों को देखना क्या रूल वेरी सिंपल फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड लॉर्ड एंड एंड हाउस का का कॉम्बिनेशन लगन के साथ में लगनेश का कॉम्बिनेशन ट्वेल्थ लॉर्ड के के साथ में, 12th lord का house के साथ में में लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हाउस दिस इज काम्बिनेशन टें वो मिलना चाहिए mm. वो बेसिक चीज है उसके बिना तो कुछ भी नहीं है अगर मान लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन है सारे के सारे लेकिन ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड का कॉम्बिनेशन लगन के साथ में नहीं है टेंथ के साथ में नहीं है फोर्थ के साथ में नहीं है तो इसका मतलब यह सकता है कि वो इंडिया के अंदर ही कहीं चला जाए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के से हो सकता है कि वो दूर तो रह रहा है अपने परिवार से। लेकिन वो बहुत ज्यादा दूरी विदेश के लिए जो है जब तक सेपरेटिव नहीं है, नहीं जा सकते वो कॉम्बिनेशन चाहिए, <laughs> नहीं नहीं वो चाहिए। <laughs> okay. एक आ, सवाल पूछता था एंट्री लेना चाह रहा है जूम में वंदना यादव एंटरिंग रूम में एडमिट कर दो ना 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 ओके ठीक है प्लीज कंटिन्यू गलती, गलती से हो गया होगा ओके वो शायद गलती से हो रहा होगा वो मेरे आ से आ मेरे बार फोन बार से ही हो रहा होगा कोई बात नहीं ओके अब इसमें जो है यहाँ पर देखिएगा हम लोगों का जो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है फोर्थ हाउस का लॉर्ड इस मार्स मार्स यस मार्स के ऊपर ये टू एस्पेक्ट आ रहा है जी मार्स से अ कारक फॉर द मदर ने इफेक्ट होगा हो हा फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस के ऊपर राहु का एस्पेक्ट आ रहा है आ गया आ गया आ गया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मदरलैंड से पतकता होने के योग है ओके बढ़िया ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड इज इन अलगन स्थान जैसा मैंने बताया lord lord is 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 and and each and everything same uh -huh. same yoga yoga it in in the chart. <laughs> same yoga is in the chart chart okay ke uh, hum के अंदर जाकर हम लोगों को चेक कर okay. जो कि हमारे लिए ज्यादा मैथ uh -huh. से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है हम लोगों की डी फोर के अंदर ओके mm -hmm. okay? यहाँ पर आप देखिए

इट इज अ लग्ना लॉर्ड लॉर्ड ऑफ दैट भावा फोर्थ हाउस का लॉर्ड मंगल mm -hmm. कहां जाकर के बैठ गया दिस इज इन द फिफ्थ हाउस किसके साथ में दैट इज एट हाउस लॉर्ड करेट और आपका ये देखिए केतु से ट्राइनल पोजीशन के अंदर करेक्ट mm -hmm. अच्छा तीसरी चीज ये है कि यहां पर जो है जुपिटर एंड वो थ्री नाइन ट्वेल्व के लॉर्ड्स

उस ग्रह की दशा के अंदर विदेश चला जाएगा बढ़िया yeah, ये ये सिंपल सिंपल। है, वेरी और ऐसा नहीं है कि एक चार्ट के लगाएं, seen, मतलब मैंने किया है तो, ये तो जिसको भी चाहिए कि फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं है नहीं। की चेक सबसे पहले चेक करते तो वहां जाने के बाद में फिर आप वो दशा देखिए दशा मेरी टाइम्स क्या होगा आपके सामने ना? कि आ, ये जो है लोग सारे के सारे बने हुए, में बने हुए लेकिन दशाएं नहीं सेपरेट okay. विदेश नहीं जा सकता <laughs> उस के, क्या होगा कि के में तो सारी आती जाएगी विदेश जाऊं लेकिन वो नहीं जा सकता जब तक वो सेपरेटिव टेंडेंसीज वाले जो प्लैनेट्स जो हैं वो सेपरेट न करे <laughs> वो उनको तो आना ही पड़ेगा दशा में उनको आना ही पड़ेगा अच्छा उसमें भी कई बार पता क्या होगा आप लोगों के इसलिए पाप ग्रह जितने भी हैं मान लीजिए कि आपका राहु की दशा चल रही है सूर्य की दशा चल रही है कई बार ऐसे आती है जुपिटर की दशा है तो जुपिटर की दशा के अंदर इट मस्ट भी कनेक्टेड विद्वेल्थ हाउस लॉड ट्वेल्थ हाउस के साथ में उसका कनेक्शन किसी न किसी प्रकार से बनना चाहिए क्योंकि अनटिल अनलेस ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ में बेनिफिट का एस्पेक्ट करना हो और प्लस वो प्लेनेट जो है ये सारे योगास चार्ट के अंदर होने चाहिए और ये किसी न किसी टेंडेंसीज के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर आना चाहिए सेपरेटिव hmm. बता देता हूँ आपको ना जैसे ये महात्मा गांधी जी का चार्ट है अच्छा जो मैं कहना चाह रहा था ना वो पॉइंट समझनी महात्मा गांधी जी जो है वीनस की महादशा के अंदर विदेश चले गए mm -hmm. अब वीनस इज लगना लॉर्ड बट माय पॉइंट वाज दैट जो भी हम लोग सूत्र कहेंगे ना यहाँ पर कि फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन में हो भाव भावेश कारक एफ्लिक्शन के जैसे यहाँ पर देखिए केतु है यहाँ पर जो फोर्थ लॉर्ड जो है दैट इज सैटन एक्सपेक्टेड बाय द राहु मार्स इज विद द लॉर्ड ऑफ द एट मेन so चीज़ है कि बेनेफिट प्लैनेट्स की दशाएं जैसे विनस की दशा है ट्वेल्थ हाउस इस दशा के अंदर ये बाहर चले ओके। तो आर देशलफिट प्लैनेट्स की दशाएं चल रही हो आप विदेश जा सकते ओके बढ़िया इतना सिंपल है मतलब तो कोई ज्योतिष में दो तीन महीना सीख रहा है छह महीना सीख रहा है वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते

मान लीजिए कि कोई आ, शिक्षा के लिए वो जा रहा है तो आपको डी तो बताएगा बताएगा आप डी से जा करके चेक कर सकते कोई व्यक्ति जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए विदेश जा रहा है तो डी फोर आपको बताएगा लेकिन यू कैन रिकनफर्म डी जितना आप जितना ज्यादा आप इसके ऊपर वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि हर किसी के लिए तो देखना भी नहीं है कोई व्यक्ति आकर के पूछेगा कि आज आप जान है उस कंडीशन के अंदर आप नहीं इट वॉज वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा लगा और अच्छे से भी ज्यादा इतना सरल है मतलब इतना सिंपल है कोई भी तीन चार महीने से जो ठीक सीख रहे वो भी प्रेडिक्ट कर सकते है कुछ ज्यादा मतलब वो हैवी लोड नहीं है इसमें मतलब सिंपल रूल्स है हाउस लॉर्ड्स और नेचर ऑफ प्लैनेट्स पता है तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है <laughs> वो पता होने चाहिए वो जरूरी है और देखिए फिर सबसे बड़ी बात यह कि एस्ट्रोलॉजर की विशेष की एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी एबिलिटी किस प्रकार की है क्योंकि चार्ट्स जब भी आपके सामने आते हैं ना तो ये आपके मल्टीपल तरह से आपके सामने आते हैं ये hmm. बहुत आसान रूप में आपके सामने नहीं आते तो ये आपकी एबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करेगा लेकिन सूत्र यही वर्क है थैंक यू है तो दर्शकों आपको बहुत पसंद आया होगा ये आ, जो सर ने समझाया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके आसपास आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार या खुद आप स्वयं अगर विदेश गए हैं तो आप लोग के कुंडली में और जो आपके आसपास के लोग हैं उन उन उनके कुंडलियों में कैसा योग देखा है लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जब सर समझा रहे थे तो मैं भी जो मेरे जान पहचान के लोग हैं उन उसमें से जो लोग विदेश यात्रा किए हैं या करने वाले उनका जो कुंडली में दिमाग पड़ा है तो बहुत सारा चीज जो सर ने बताया वो मैच होता है ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ फ्लोर डी फोर ये सब तो प्लीज जाके चेक करिए कुंडली में और जैसे कि आपने अभी सर से सुना बहुत अच्छे से फिर इसको जाके आप पकड़िए आपके दो तीन दोस्त है जो फॉरन गए हैं उनका कुंडली लेके पकड़ के आप बैठिए एक घंटा बैठिए फिर वो रूल अप्लाई करिए फिर कोई तीसरा आके आपसे पूछेगा कि ये तो चला गया मैं जाऊंगा कि नहीं फिर आप हाँ या ना बोल सकते तो वैसे आप ज्योतिष तो सीखिए दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच फॉर दिस सिंपल सेशन एंड प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि आपको पसंद आया सर के बारे में और आपको अगर कुंडली का विश्लेषण चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के डिटेल्स दिए हुए जाके चेक करिए ओके थैंक यू सो मच दिनेश जी मिलते हैं थैंक यू सो मच नमस्कार